इस मंच को एक शेप देने वाले और इस कार्यक्रम के जो आयोजन समिति के जो रजवीर सिंह जी और मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक्स पर रजवीर जी संवाद के थ्रू सेमिनार्स कर रहे हैं। और ये बेसिकली किसी जो इनके मैंने टॉपिक्स देखा है और इन्हीं वजह से मैं इनको पूरा मेरा इनको सपोर्ट है, क्योंकि ये किसी ये राजनीति से बहुत बड़ी चीजों पे इन्होंने सेमिनार किए। जो पिछला सेमिनार था वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड पॉपुलेशन इंबैलेंस पे था, जो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक था। और अफसोस की बात ये है कि कोई भी राजनीति में दो मिनट हुआ, कोई भी राजनीतिक पार्टी उस बात पे डिस्कस करने को भी तैयार नहीं है। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जो संजय गांधी जी ने किया, सोच बहुत अच्छी थी लेकिन कार्यान्वयन में कहीं गलतियां हुई। और 1977 में जो कांग्रेस का हश हुआ, वो उससे सीख लेके कहीं सत्ता की लोलुपता में आके कोई भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी एक पार्टी को नहीं बोलूंगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात पे डिस्कस करने के लिए तैयार भी नहीं है। और ये आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या है। मैं इस मंच से पुनः राजवीर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना रेलेवेंट टॉपिक उस समय उठाया था। यहाँ बहुत युवा बैठे हुए हैं, हरेंद्र भाटी जी पर्यावरण में बहुत काम करते हैं और एजुकेशन में बहुत बात हो रही है। मैं चाहता हूं एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाए आबादी को, क्योंकि इस देश के सारे जो रिसोर्सेज है उसको ये आबादी खत्म कर दे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा जिस तरह से आबादी बढ़ रही है। अब मैं आज के टॉपिक है कि हाल बलिदानों का बलिदान गुरु तेग बहादुर जी, जो मैंने उनके बारे में थोड़ा पढ़ा है और जाना है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हम आक्रांता से या गुलाम बनकर हम किसी की दया की अपेक्षा हमें नहीं करनी। वो आक्रांता तो उनको शासन करना निर्दयी। बात ये है कि हम तो गुलाम बने। अगर हम इतने अच्छे राष्ट्र थे, इतना हमारा अच्छी संस्कृति थी, तो हम गुलाम क्यों बने? ये मैंने एक बार बोला था राजवीर जी को कि इस टॉपिक पे भी एक सेमिनार करी, वो क्या वजह थी जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग बेसिकली छोटे छोटे राज्यों में बड़े हुए थे और हमने अपने राज्यों की रक्षा के लिए प्रयास किया। हमने कभी मिलके जो आक्रांता थे उनको कभी हराने का मिलके हमने प्रयास नहीं किया। आप पूरा इतिहास उठाते देखिए, प्रोबेबली जो जब सिकंदर आए थे, जो पौरों से जो लड़ाई थी, पौरों की सेना बहुत विशाल थी और काफी राजा उनके साथ आ गए थे, इसलिए सिकंदर वापस लौट रहा था। कोई दया करके नहीं लौट रहा था, वो इसलिए लौट रहा था कि उसको लगा कि सामने जो है बहुत एक मजबूत राजा है, मजबूत शासक है, तो उसने लौट जाने के लिए। उसके बाद हम छोटे छोटे राज्यों में रहे और हम अपने राज्य की रक्षा करते रहे, मातृभूमि की रक्षा करते, लेकिन हमने कभी भी मिलकर, चाहे वो राष्ट्र की लड़ाई हो चाहे वो हिंदुत्व की लड़ाई हो, वो हमने कभी नहीं लड़ी। ये आप सब इतिहास को पढ़िए तो आपको सब पता पड़ जाएगा। हमने अपना राज्य बचाया। मेरे पास एक बुक है, मुझे एक पेशेंट ने दी थी, वो कश्मीर से थी। सिर्फ 400 घुड़सवार कश्मीर में गए थे, सिर्फ 400। अगर लोग डंडे लेके भी मारते, पत्थर भी मारते, तो क्या 400 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते? वो एक एक गांव जीतते गए, कन्वर्जन करते गए। हम लोग एक तो जो हिंदू धर्म है जो अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है, पर ये किसी ने नहीं कहा कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए हिंसक भी होना पड़ता है। और ये जो अहिंसा हमारे सिस्टम में हमें जो शुरू से बताई गई, चींटी को मत मारो, उसको मत मारो, इसको ये करो, वो इतनी आत्मा में आ गई है कि हम लोग बिल्कुल सहिष्णु हो गए हैं। कुछ भी टॉलरेट करते रहते हैं, कुछ हो जाए हम सेट। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, बिल्कुल आपको एक सामाजिक प्राणी के रूप में ये बात कह रहा हूं। दूसरा, हमारा कास्ट सिस्टम, ये बहुत रेलेवेंट चीजें बोलने का आप सबसे, क्योंकि आपसे सामाजिक रूप से बहुत जागरूक है।
हमारे कास्ट सिस्टम ने हिंदुत्व को कमजोर किया। लड़ने का अधिकार सिर्फ लिमिटेड लोगों को था, बाकी को युद्ध की शिक्षा ही नहीं थी। उनको क्या फर्क पड़ता था राजा कोई मुगल है या राजा कोई हिंदू है, वो तो प्रजा थे। ये हो सकता है मनु के समय में ये सिस्टम ठीक हो, लेकिन एक गुलामी की बहुत बड़ी वजह यह रही कि हम लोगों का जो कास्ट सिस्टम था, कुछ को सिर्फ पढ़ाई करनी है, ज्ञान देना है, कुछ को सिर्फ धर्म की रक्षा करनी है, कुछ को सिर्फ व्यापार करना है, कुछ को सिर्फ सेवा करनी है। ये कैसा सिस्टम है? इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है और उसकी कीमत आज हम दे रहे हैं। जब लॉर्ड क्लाइव ने कैलकटा फतेह किया था, सिर्फ 3600 अंग्रेज सैनिक थे और लाखों लोग तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उनको ना लड़ाई की ट्रेनिंग थी ना उनको पता था कि हमारा भी लड़ने का फर्ज बनता है। तो ये सब बहुत हमें सोचना चाहिए। और बिल्कुल जो राजवीर जी ने बोला, ये शर्म की बात है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि अपने देश में लोगों को शरणार्थी बनना पड़े। जो आपने बोला जो कश्मीरी पंडित हुए तो पलायन हुआ है, ये इतना बड़ा धब्बा है कि अपने देश में कल आपको हम सबको नोएडा छोड़ के जाना पड़े, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य होगा? और कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो हमारे सर्वोपरि थे, उसने जो भी उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती किया है और इसकी कीमत इतिहास ही बताएगा क्या। गुरु तेग बहादुर जी का जो उसमें रोल रहा, और वैसे तो गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने खालसा पंथ इसका जो उन्होंने पंच प्यारे, वो समाज की जरूरत थी। कभी कभी हमारे संतों ने वो रोल अदा किया है जो कायदे में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहिए। एक एक घर से उन्होंने एक एक वीर दिया, उसको वीर, क्योंकि आपको लड़ने के लिए पावर चाहिए। और उन्होंने उनको बिल्कुल इस तरह से ट्रेन किया कि वो योद्धा बन सके, और कहीं धर्म की रक्षा के लिए क्रूर भी होना पड़े तो वो भी एक्सेप्टेबल है। आप दया की भीख मांग के, अहिंसा की कामना करके आप नहीं युद्ध लड़ सकते। आप कितने भी बड़े देश हो, कितनी बड़ी महान संस्कृति हो, बड़ी बड़ी संस्कृतियां खत्म हो गई हैं, बड़े बड़े देश खत्म हो गए हैं, निर्दय के आगे आप कैसे काम करेंगे? सोमनाथ पे अटैक हो रहा है, हम लोग उसकी प्रार्थना कर रहे हैं शिवलिंग की कि शिवलिंग महाराज हमें बचाओ, ये कहां का क्या है? तो ये भी कहीं जरूरी है। और गुरु इन्होंने जो आज एक टॉपिक रखा, मैंने भी जो पढ़ा है, जो थोड़ा सा मेरे लिमिटेड नॉलेज है, उन्होंने काश्मीरी पंडित ने उनको आए, उन्होंने कहा गुरुजी, उन्होंने उनको रास्ता बताया कि मैं सब बता चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया। और उसके बाद आज भी काश्मीरी पंडित एक थैंक्स गिविंग कुछ सेरेमनी होती है, आज भी जो काश्मीरी पंडित है उसको थैंक्स देते हैं कि उन्होंने उस समय उस धर्म को बचाया जो पंडित हुआ। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अगेन पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, नक्सलवाद, आतंकवाद, और इसमें कहीं ना कहीं हम सब प्रोबेबली हम इस देश के नागरिक हैं, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। और खासकर ये जिम्मेदारी उन लोगों को निभानी होगी जो अवेयर, जो सक्षम है, जो सामाजिक रूप से जितने चेतना है। हम एक मजदूर से जो सिर्फ उसको जो अपने दो जून की रोटियों के लिए काम कर रहा है, उससे हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें उन लोगों से अपेक्षा करनी चाहिए कि इस हवन में जो सक्षम लोग हैं सब आके आहुति डालें। और राजवीर जी, मैं कहूंगा ये बहुत रेलेवेंट चीज है, इसको और हम अगर प्रचलित करें और लोगों की राय लें और एक अभियान की तरह चलाएं, कभी कभी सत्ता में लोलुप लोगों को जगाने की जरूरत पड़ती है। मेरी एक इंग्लैंड में मेरी क्लास फेलो है, तो वहां जब मोदी जी गए थे तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, जो हमारा ग्रुप है, कि मुझे क्या क्या मोदी जी से डिस्कस करना है। मैंने कहा तीन चार चीजें हैं, ज्यादा नहीं, नंबर वन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है। सेकेंड मैंने बोला आर्टिकल 370, और
तीन चीजें उनसे पूछ ली थी, तब उनकी भी नेचुरली मजबूरियां रही होंगी, इंटेंशन प्राइम मिनिस्टर के इंटेंशन से कभी भी डाउट नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है और इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और होगी भी, लेकिन कुछ काम कहीं मुझे ठोस रूप से नहीं समझ में आया। आर्टिकल 370 इस समय जितनी आज भाजपा मजबूती से सत्ता में है इस पर डेफिनेटली कुछ काम होना चाहिए और ये बहुत बड़े आगे दूर तक इसका एक मैसेज जाएगा। अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं जानता हूं एक डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन फिर भी हमें कहीं पॉपुलेशन को तो लिमिटेड करना पड़ेगा। आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक एक विशेष में दो बच्चे हो, इवन एक बच्चे आज तो मैं देख रहा हूं एक बच्चा और एक तरफ 8, 10, 14, ये बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति। इसपे मतलब सब समझ जाइए, मतलब एक तो आक्रामक होकर सत्ता पे काबिज होते हैं और एक डेमोक्रेटिकली बैलेट से आप काबिज होते हैं। कम से कम 100 से ज्यादा ऐसी पार्लियामेंट सीट हैं जहां पर दे आर एबल टू डिसाइड। तो ये देश के लिए मैं बहुत ज्यादा इस विषय पे नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि एक सामाजिक मंच है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसको जरूर सोचना पड़ेगा। और मैंने जो मेडिसिन में पढ़ा है पीएसएम में कम से कम 3 बच्चा होना चाहिए, यहां पे बढ़ाया गया एक बच्चा। मैं कितनी फैमिलीज देखता हूं एक बच्चा है, लाइफ इज नेवर सर्टेन, कुछ एक्सीडेंट है, 50 चीजें हैं एंड आई सीन कि पेरेंट्स बिल्कुल रूड हो जाते हैं, ये पता नहीं नई कल्चर क्यों आ रही है। वन चेक नाउ एजुकेशन, ये ऑब्जर्व किया गया कि एजुकेटेड मुस्लिम में बच्चे कम है। तो अगर एजुकेशन का प्रचार करेंगे तो नेचुरली वी एक्सपेक्ट कि वहां भी बर्थ रेट कम। मैंने काफी बोल दिया है, कुछ हो सकता है थोड़ा नेगेटिव भी कर गया हूं लेकिन मुझे रेलेवेंट लगा। और गुरु तेग बहादुर का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। कभी नदी जी का नाम सुना था और गुरु तेग बहादुर, इनका योगदान।